आगे बढ़े। अब आपको बताएं कि हेलमेट के इस्तेमाल पर अमल दरामद का अनोखा फॉर्मूला, बगैर हेलमेट किसी भी मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल ना देने की तजवीज दी गई है। सीटीओ लियाकत अली मलिक ने कमिश्नर लाहौर को खत लिख दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे अरसलान हैदर से। जी अरसलान, बताइएगा अनोखा फॉर्मूला जारी किया गया है। जी बिल्कुल, हेलमेट पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक और बड़ा इकदाम जो है वो सामने आ रहा है। सिटी ऑफ लाहौर ने गुज़िश्ता रोज़ डीसी लाहौर को एक ख़त लिखा, जिसमें ख़त का मतन ये था कि हेलमेट पर अमल दरामद कराने के लिए तमाम शहरी, वो लोग जो हेलमेट नहीं पहनते, वो अब उनको पेट्रोल पम्प से पेट्रोल ना फराहम किया जाए। तो डीसी लाहौर जो है इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, तमाम पेट्रोल पंप मालकान को इस खत के हवाले से आगाह करें। तो अब हम पहले तो बात करते हैं आम शहरी से कि आखिर क्या इसके बारे में आम शहरी की क्या राय है। जी सर बताइएगा, आप शहरी हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जो ना एक और इकदाम सामने आया है कि अब जो जिसके ऊपर हेलमेट नहीं होगा उसको पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिला जाए, इसके ऊपर आप क्या? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पहले इसको आगाही मुहिम चलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, एकदम ज़बरदस्ती पाबंदी नहीं लगानी चाहिए कि पेट्रोल पंप नहीं देंगे। अब बताएं कुछ, आप मार्केट में जाएँ, हेलमेट के रेट जो 500 वाला है 1000 रुपये का बिक रहा है, इनको प्राइस पर कंट्रोल करना चाहिए ना गवर्नमेंट को पहले। इसके बाद मैं खुद मार्केट में काम करता हूँ यार, मेरा मिकलो रोड पर काम है, हेलमेट की ये सूरत हाल है कि 500 वाला हेलमेट वो है हम लोगों को 1000 रुपए का दे रहे हैं। ये तो जी आम शहरी की राय, आम शहरी का कहना है कि हेलमेट की पाबंदी जो है उसको लाजिम बनाने के लिए पहले हेलमेट की कीमत को जो है वो कंट्रोल किया जाए। अब हम बात करते हैं, ये तो आम शहरी थे, अब पेट्रोल पंप से बात करते हैं, जो पेट्रोल पंप इंतजामिया है। सर बताइएगा, आपको डीसी लाहौर की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा खत मिला है अभी तक कि हेलमेट की पाबंदी जो है ना उसे लाजिम बनाने के लिए पेट्रोल ना दिया जाए शहरियों? अभी कोई ऑफिशियल लेटर कोई नहीं मिला, नहीं मिला है कोई। अगर लेटर मिलेगा तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? इंशाल्लाह गवर्नमेंट का हुक्म अमल दरामद करेंगे। अभी तक वैसे कितने शहरी ऐसे आते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं होता पेट्रोल पंप पे? अक्सर आते हैं, अक्सर के पास नहीं होता। अक्सर आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। जी देखिए, ये तो पेट्रोल पंप इंतजामिया से भी हमने बात की, उनका कहना है कि अगर हुकूमती अहकाम मिलेंगे तो इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और शहरी जो है वो पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, लेकिन शहरियों का तो यही कहना है कि पहले जो इनकी कीमतों पर कंट्रोल करना चाहिए हेलमेट की, कि हर आम आदमी, हर आम शहरी जो है बआसानी हेलमेट खरीद सके। लेकिन दूसरी जानिब अब अगर पेट्रोल पंप भी पर भी जो पेट्रोल है वो हेलमेट के बिना नहीं मिलेगा, तो उनका ये कहना है कि पहले तमाम मामलात जो हैं वो हेलमेट सस्ता होगा, हर शहरी हेलमेट खरीद लेगा तो उसके बाद उनको आसानी होगी। तो हुकूमत को चाहिए कि हेलमेट की कीमतों पर जो है वो ज़्यादा जोर दे, ना कि इस तरह की पाबंदी। ठीक है, शुक्रिया अरसलान। और इसी हवाले से शहरियों के पाबंदी पर क्या तासरात हैं, आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं। जो डिसीजन किया है कि जो भी मोटरसाइकिल वाले हैं जो जाएंगे पेट्रोल लेने के लिए, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है ये पॉलिसी सीख है, ठीक है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का ये हेलमेट वाला जो इशू है ये अच्छा भी है, सेफ्टी के लिए अच्छा भी है, लेकिन जो आपने ये गवर्नमेंट ने शर्त रख दिया कि हेलमेट होगा फ्यूल देगा, लेकिन ये तो गलत बात है क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हेलमेट। ये जो कह रहे हैं ना पंप वाले कि हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो इनके फायदे के लिए कह रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे जाहिल ना बनो, अपनी ज़िंदगी और मौत का सोचो। हुकूमत ने हमारे लिए ये बात अवेल की है कि आप लोग हेलमेट डालें तो हमें पहनना चाहिए, मगर यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है वो नहीं पहन सकते, जिस तरह के मैं हूँ, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मैं हेलमेट पहन लूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा होता है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं। हेलमेट ज़रूरी होना चाहिए इस पर, हाँ इससे सेफ्टी होती है इंसान की। चलो वैसे रेट तो कम होना चाहिए पर हेलमेट जो है ना वो अच्छी बात है। देखा जाए तो वो ठीक कह रहे हैं, प्रॉपर अगर देखा जाए तो ठीक कह रहे हैं वो। ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए ना कि हमें भी तामन करना चाहिए इन लोगों के साथ, लेकिन हम ये चारा भी काट जाते हैं अपनी पर लेट करने में, हम जो मर्जी कर जाते हैं। हेलमेट के वाले से शर्त ठीक है पर कंट्रोल होना चाहिए प्राइस पे।